प्रतापगढ़ शहर में रविवार को कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा चोटी ने नामांकन दाखिल किया। रामलाल मीणा ने भगवान दीपेश्वर महादेव का अभिषेक किया। यहाँ से नामांकन रैली शुरू हुई, जो एक विशाल जुलूस के रूप में मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी चौराहे पहुँचा। शहर में जगह जगह कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा का भव्य स्वागत किया गया। इस नामांकन रैली में आदिवासी लोग पारंपरिक रूप से ढोल और मजीरों की थाप पर नामांकन जुलूस में भाग लेने पहुँचे। यहाँ चौराहे पर ढोल की थाप पर गृह नृत्य भी हुआ। रैली में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस नामांकन रैली के गांधी चौराहे पर पहुँचने पर एक आम सभा का आयोजन हुआ। मंच से कई वक्ताओं ने संबोधित किया। मंच से बोलते हुए प्रतापगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष कमल सिंह गुजर ने कहा कि अब इस विधानसभा में परिवर्तन करना है, जिससे क्षेत्र का विकास हो सके और कायाकल्प हो सके। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। मंच से प्रतापगढ़ नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष रवि प्रकाश ओझा ने कहा कि इस बार परिवर्तन की लहर है और इस लहर में प्रतापगढ़ और दरियाबाद दोनों विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाना है। सरपंच कैलाशी देवी ने कहा कि इस रैली को सिर्फ इस रैली तक सीमित नहीं रखना है, उपस्थित मौजूद कार्यकर्ताओं को 20-20 लोगों को मतदान करने के लिए लाना है, ताकि हजारों वोटों से जीत हासिल हो सके। मंच से श्याम टाक ने भी संबोधित किया। इधर पूर्व पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश ओझा ने कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा से विधायक बनते ही प्रतापगढ़ नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार की CBI से जांच कराने की मांग की। मंच से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सुरेंद्र चंडालिया ने भी संबोधित किया। यहाँ दरियाबाद प्रत्याशी नगराज मीणा ने वर्तमान सरकार के मंत्री नंदलाल मीणा पर जमकर प्रहार किए और इन्होंने कहा कि 35 साल में प्रतापगढ़ में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, जबकि यहाँ क्या जादू है जो हर बार ये नंदलाल जी मंत्री जी जीत जाते हैं। ये मन मुटाव के कारण होता है। यहाँ जो लोग मंत्री जी के पास विकास की बात करने जाते हैं, उन्हें गालियाँ मिलती है। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मीणा चोटी ने संबोधित करते हुए कहा कि मैंने इस रैली के लिए कोई तैयारी नहीं की, यह तैयारी सिर्फ मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत है और मेरे कार्यकर्ता ने बूथ स्तर पर जो मेहनत की है, उसका असर आपको आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। और मैंने हर समय पर प्रतापगढ़ की जनता को जब जब जरूरत पड़ी, कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा रहा और बड़े से बड़े अधिकारी से मैंने आप लोगों के लिए संघर्ष किया। हर मुकाम हर मोड़ पर मैंने युवाओं को नौकरी दिलाने के भरसक प्रयास किए। कभी मैंने किसी भी व्यक्ति की मदद करने से मना नहीं किया। मुझे भाजपा में काम करते हुए जब मैं आगे बढ़ रहा था, तो मुझे मंत्री जी को लगा कि अब कोई दूसरा भी आगे बढ़ रहा है तो मुझे पार्टी में तवज्जो नहीं दी जाने लगी, जिसके चलते मुझे कांग्रेस में आना पड़ा। मैंने जब मंत्री से पार्टी में रहते हुए कहा कि इन युवाओं को नौकरी लगानी है, तो उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मजबूरीवश मुझे भाजपा छोड़कर इनका विरोध करना पड़ा और मैंने विरोध में कहीं कोई कमी नहीं रखी। मैंने हर जगह समर्थन का आंदोलन किया और अधिकारियों को मैंने निवेश कर दिया कि हर मौके पर हर बेरोजगार को नौकरी दिलाने में मैं हर समय खड़ा रहा। मैंने TSP क्षेत्र के युवाओं को नौकरी लगाने के लिए हर बार आंदोलन किया। प्रतापगढ़ के कई विभागों में मैंने आप लोगों के हितों के लिए संघर्ष किया और यदि जनता मुझे अवसर देती है, तो मैं आपको इस क्षेत्र में बेरोजगारी को खत्म कर दूंगा और प्रतापगढ़ जिले की सड़कों का कायाकल्प कर दूंगा। रीट सहित LDC की भर्ती में मैंने आंदोलन किया। महाराणा प्रताप बटालियन की पुलिस भर्ती में भी मैंने संघर्ष किया और इसके बाद भी स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिली। यहाँ सरकार और मंत्री हर जगह स्थानीय लोगों को दरकिनार करते हैं और वर्षों से स्थानीय लोगों के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। होमगार्ड की भर्ती में सारे ग्रामीण क्षेत्र के लड़के वंचित कर दिए गए। आज तक होमगार्ड की भर्ती नहीं की गई। सबसे पहले मैं विधायक बनते ही होमगार्ड की भर्ती कर दूंगा और वन रक्षक वन पाल की भर्तियों में भी लोगों की उपेक्षा किए जाने पर मैंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को बात की और उनसे स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाने की बात की। प्रतापगढ़ के मंत्री ने लोगों से कहा कि तुम्हें नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है और यहाँ का युवा बेरोजगार घूम रहा है। रामलाल मीणा ने उपस्थित लोगों को शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि यदि मैं MLA बना तो किसानों को बिजली के ट्रांसफार्मर के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, किसी दलाल को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और समय पर बिजली के कनेक्शन होंगे। एक ऐसा ऐप बनाया जाएगा जिसमें आप अपना ट्रांसफार्मर जलने पर ऑनलाइन सूचित कर देंगे। विभाग के कर्मचारी द्वारा आपका ट्रांसफार्मर घर आकर बदला जाएगा और अब समय पर लोगों को बिजली के कनेक्शन होंगे। पूर्व के मंत्री ने 8 दिन तक प्रतापगढ़ में कन्या महाविद्यालय नहीं खुलवाया। 5 साल में एक कार्यकर्ता की नहीं सुनी। यदि हम राज में आए तो बिना किसी वर्ग बिना किसी जाति भेदभाव के पार्टी के लोगों के कार्य करेंगे और आम जनता की सेवा करेंगे। इन्होंने कहा कि भाजपा वाले मेरे ऊपर नक्सलवाद का आरोप लगाते हैं, जो झूठ है। अंत में कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सचिन पायलट ने रामलाल मीणा को टिकट देकर आपके सामने भेजा है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस का ये प्रत्याशी आपके सामने है और जब भी उतरेंगे आप लोगों के आदिवासी बच्चों के नौकरियां लगाने के लिए क्या किया उन्होंने। आप मतदाता नहीं है, सरकार के आंकड़ों में मतदाता है।
परंतु जो चुनाव लड़ने वाला जो प्रतिनिधि है ना आपका, जो कांग्रेस पार्टी से रामलाल जी है, मैं दरियाव से हूं, हम आपके सेवक हैं, आप हमारे मालिक हो। सेवक जब तक अपने मतदाता को मालिक नहीं समझा गया वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। परंतु नंदलाल जी मालिक को नौकर समझ लिया, फिर भी 25 साल तक राज की, ये समझ में नहीं आई मेरी बात, क्या ऐसी कला थी। दोस्तों ये एक भाग्य में लिखा हुआ होता है, और विशेष करके प्रतापगढ़ के लोगों ने भी आपस में कुछ मनमुटाव समझ लो या और कोई बात समझ लो, मजबूत आदमी मिला नहीं। भाई रामलाल जी भारतीय जनता पार्टी से थे पहले, आपको सबको मालूम है, फिर क्या थे, फिर चावल बांटे, मंत्री जी, जिला प्रमुख जी, हेमंत जी, सभी के सभी लोग 2013 के बाद, पहले तो 5 साल तक क्या पता कौन से बिल में थे, जब वापस फार्म भरने का नंबर आया सभी जाते हैं फील्ड में, मंत्री जी पग पकड़ते हैं लोगों के और कहते हैं मेरे बुढ़ापे की लाज रख लेना, मेरे बेटे की रैली में आपको अवश्य आना है। लेकिन साथियों आपने देखा होगा जितने अपने साधन थे उतने भी लोग उनकी रैली में नहीं थे, आपको बताए। यहां सभी से निवेदन करना चाहता हूं, मैं बाबूजी साहब से और सभी सीनियर लीडरों से कहना चाहता हूं, मंत्री जी और पूरा परिवार लग गया नामांकन रैली में, लेकिन इस रैली में मैंने कोई तैयारी नहीं करी, मेरे जितने भी पदाधिकारी, जितने भी कार्यकर्ता, 271 बूथ के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हैं, उन सब ने मिलकर ऐसी तैयारी करी कि आज आप पूरे प्रतापगढ़ में लग गया कि वास्तव में ये रैली नहीं, क्या पता क्या हो गया है। मैं इस रैली में नामांकन रैली जो है अपनी, इस रैली के लिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं, कल मैंने एक मैसेज डाला था कि मैं टिकट के लिए जयपुर और दिल्ली नहीं गया था, मैंने ये प्रण लिया था। मेरे जितने भी सीनियर भाई हैं, आप जाइए जयपुर और दिल्ली, अगर आपको टिकट मिल जाता है मैं ईमानदारी से पार्टी की सेवा करूंगा और आपको जिताने में लग जाऊंगा। लेकिन साथियों प्रदेश नेतृत्व उसके बाद में 1981 में प्रतापगढ़ से एमएलए बन गए थे और राष्ट्रपति महोदय ने उस समय अधिसूचना जारी कर दी थी टीएसपी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नौकरी मिले। मैं आप सभी से 1981 से पहले के जो लोग हैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, क्या उस समय 5 से 5 लोगों को भी नौकरी मिल रही थी नहीं मिल रही थी। 1981 में जो 5 से 5 था उसको भी पुलिस की नौकरी मिल रही थी, उसको भी बाबू की नौकरी मिल रही थी नहीं मिल रही थी। अगर उस समय नंदलाल जी मीणा ध्यान दे देते, स्थानीय युवाओं को नौकरी लगा देते, आज मेरे बुजुर्ग लोगों के जो गाल चिपके हुए हैं वो गरीबी के कारण गाल चिपके नहीं रहते, वो जोधपुर और गुजरात मजदूरी करने नहीं जाते। साथी आपने देखा होगा 1981 से लगाकर 2012 तक इस दरमियान नंदलाल जी मीणा कभी मंत्री बने, कभी विधायक बने, कभी सांसद बने, कभी उनकी जिला प्रमुख पत्नी बनी, कभी उनकी पत्नी प्रधान बनी, कभी उनका बेटा जिला प्रमुख प्रधान बना और कभी उनकी बहू जिला प्रमुख बनती है साथियों। लेकिन उन्होंने मेरे बेरोजगार युवाओं के दर्द को नहीं समझा साथियों। मुझे मजबूरी बस 2012 में टंकी में चढ़ना पड़ा और आप जैसे आपके बच्चों को नौकरी में लगाने के लिए मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आंदोलन करना पड़ा साथियों। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ता, आपके बच्चे नौकरी नहीं लगते, फिर भी 7-7 फीट के बाहर के लोग आपके नौकरी लग जाते। ऐसी मजबूरी में मुझे क्या करना था आप ही मुझे बताइए। क्या ऐसे समय में मेरे को भारतीय जनता पार्टी में रहना था? क्या ऐसे समय मुझे नंदलाल जी के साथ में रहना था? साथियों मेरी मजबूरी थी, एक तरफ आपके बच्चों का भविष्य था, एक तरफ नंदलाल जी मीणा की स्वामी भक्ति थी मेरी। लेकिन मैंने नंदलाल जी मीणा की स्वामी भक्ति को ठुकरा दिया, आपके बच्चों की बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आपके युवाओं की बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। साथियों आपने देखा होगा 1.5 महीने तक मैं आंदोलन
नंदलाल जी मीणा ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं पेट्रोल और माचिस लेकर जिला परिषद में घुस गया था। मैंने सीओ साहब को कह दिया था कि अगर प्रतापगढ़ के ये सारे लड़के नौकरी नहीं लगते हैं आपको बाहर नहीं निकलने दूंगा। उसी समय सीओ साहब ने कलेक्टर साहब को फोन किया, रात की 9 बजे कलेक्ट्री वापस खुलती है और कलेक्टर साहब ने कहा मुझे 9 दिन का समय दीजिए। मैंने कहा मैडम रिता 2 दिन तीना कुमार कलेक्टर थी। मैंने कहा मैडम 2 दिन नहीं, आपको 3 दिन का समय देता हूं, लेकिन मैं मेरे प्रतापगढ़ के बेरोजगार के युवाओं के गले पर चूरी नहीं गुनने दूंगा। ये मैंने उनके सामने स्पष्ट कह दिया साथियों। 2 दिन बीत गए, नंदलाल जी मीणा ने कह दिया कि रामलाल तो रोता रहेगा, अपने तो बाहर वालों को नौकरी लगा दो। तीसरे दिन लिस्ट निकली, 1100 सुपुत्र में से सिर्फ 2 जनों का सिलेक्शन हुआ, सारे सारे लड़के बाहर के लगा दिए थे उन्होंने। फिर मुझे मजबूरी बात टावर पे चढ़ना पड़ा और टावर पे चढ़ने के बाद मैंने 1100 सुमंदर पद जो थे सभी का सभी स्थानीय लगाने की उनकी मजबूरी बन गई और आपके बच्चे 1100 सुमंदर स्थानीय नौकरी लगे। साथियों ये जितने युवा बैठे हैं इनसे पूछ लीजिए। उसके बाद में आपने देखा होगा सीओ साहब आए, ये लिस्ट लीजिए और आप इस लिस्ट के माध्यम से सबको नौकरी लगा दीजिए। मैंने कहा साहब आप कभी भी गद्दारी कर सकते हैं, मैं नंदलाल जी मीणा के ऊपर विश्वास नहीं करूंगा। आप फूट टावर के नीचे आइए और घोषणा करिए कि भैया 1100 सुमंदर नौकरी लग गए, अब नीचे उतर जाइए। फिर सीओ साहब टावर के नीचे आए, आप सभी को पता होगा, और उन्होंने हाथ जोड़ के ऊपर वालों से रिक्वेस्ट करी आप नीचे उतर जाइए। लड़कों ने कहा इस लिस्ट को ऑनलाइन करिए, हमारा नाम है कि नहीं है ये हम मोबाइल में देखेंगे फिर नीचे उतरेंगे। सीओ साहब ने हाथ जोड़ के कहा आप ऑनलाइन मत उतर जाना, यानी कूद मत जाना, मैं इस लिस्ट को ऑनलाइन कर रहा हूं। और आपने देखा होगा 1174 लड़के नौकरी लगे। उसके बाद मेरा मन भारतीय जनता पार्टी से दब गया भाइयों, मैंने दूरियां बनानी स्टार्ट करी। उसके बाद आपने देखा होगा पंचायती राज एलडीसी की भर्ती हुई, जो आपकी पंचायतों में आपके स्थानीय लड़के सचिव बन के घूम रहे हैं वो मेरी वजह से ही, मेरे आंदोलन की वजह से ही नौकरी कर रहे हैं। साथियों पंचायत समिति में भर्ती हुई, साक्षात्कार के लिए भी बाहर के लड़के आ गए थे, सभी लड़कों ने मुझे कहा भाई साहब आप चलिए नहीं तो अन्यथा बाहर के लड़कों को नौकरी लगा दिया जाएगा। हो गया था मैं चुनाव हार के चला गया था घर पे। उसके बाद मेरे को दुख हुआ कि मेरे को बेरोजगार लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन साथियों 1 महीना में सिर्फ घर पे रहा। उस समय होमगार्ड की भर्ती निकली, होमगार्ड की भर्ती में सारे के सारे लड़के ग्रामीण क्षेत्र के वंचित कर दिए और कहा था कि मैं नई भर्ती निकालेंगे। आज तक होमगार्ड की दूसरी भर्ती लगी क्या साथियों? मैं सारे होमगार्ड के साथी हैं जो कोई भी उनको कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार बनते ही सबके पहले आपको स्थायीकरण कराने की कार्रवाई कराएंगे, इसके ऊपर मैं काम करूंगा। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। उसके बाद में वन रक्षक और वनपाल की भर्ती के लिए भी बाहर के लोगों को बुला लिया था इन्होंने। मैंने कहा, मुझे लोगों ने कहा भाई साहब आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं चुप बैठ जाऊंगा। जिस प्रकार से होमगार्ड की भर्ती हुई इसी प्रकार से वनरक्षक और वनपाल में भी बाहर के लड़के नौकरी लग जाएंगे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं टेगोर पार्क में। मैं आया लेकिन मैंने उन सभी साथियों से कहा एक बार मैं आपको एहसास जरूर कराऊंगा, प्लीज आप एक बार मंत्री जी के पास जाइए। और सभी लड़के मंत्री जी के पास सुबह पहुंच गए कि साहब हमारे वनरक्षक और वनपाल की भर्ती में बाहर के लड़कों को सिलेक्शन कर दिया है, आप उनको हटाइए। तो मंत्री जी क्या जवाब देते हैं आप सभी महानुभावों को कान खोल के सुनना होगा। उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे प्रताप, तुम सुहागपुरा के हाट में गो? अरे मंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं देवगढ़ में कौन सा हाट पड़ता है आप मुझे बता दीजिए। उसके बाद सारे बच्चे आए, उन्होंने कहा पैसा आप ही को कुछ करना पड़ेगा। मैं सीधा कहा आपको पता पड़ गया कौन आपका हितैषी है? उन्होंने कह दिया पैसा अब हम नंदलाल मीणा के उनके छोरे के सारे नहीं लगेंगे, आपको किसी भी प्रकार से हमारी मदद करनी पड़ेगी। मैं उसी समय दिल पे पत्थर रख के सारी बातें बुला के वापस कलेक्टर में गया। रतन जी लाहौटी कलेक्टर थे, कलेक्टर साहब से कहा कलेक्टर साहब ये विज्ञप्ति है, इस विज्ञप्ति में लिखा है 16/6/2013 की अधिसूचना में प्रतापगढ़ के ST SC OBC जनरल सबके सब स्थानीय लड़के नौकरी लगने चाहिए, इन डीओ पर साहब ने बाहर के लड़के नौकरी लगा दिए हैं, अगर इनको नौकरी बचानी है इसको मैं करेक्शन करा दीजिए। उसी समय कलेक्टर साहब ने क्या किया, कलेक्टर साहब ने उस विज्ञप्ति को और उस अधिसूचना को डीएफओ कहा अरे डीएफओ साहब तत्काल प्रभाव से इसको करेक्शन कराइए। आपने देखा होगा करेक्शन हुआ और 2-3 फॉरेस्टर वो बना रहा था, वो सारे के सारे लड़के आपके लिए काम करेंगे, ये मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं। इसी तरह से मैं
ही रखी थी और वो आज टीएसपी संघर्ष समिति बनी है। वहां के टीएसपी संघर्ष समिति का युवा अपने सारों के इशारों पे काम करेंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं साथियों। उसके बाद में आपने देखा होगा रीट भर्ती, शिक्षक भर्ती इस बार 2018 की निकली है। 75% जिसके मार्क्स थे, आपके बच्चों के अंक थे, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि विभाग में आपका काम लेट क्यों होता है? क्योंकि 75% पद आज की तारीख में खाली पड़े हैं। कितने देख लो सीटें सारी खाली पड़ी है और आपके यहाँ के बेरोजगार देख लो सीटें कम से कम 5,000 के लगभग हैं और मेरे यहाँ के बेरोजगार भी 5,000 से ज्यादा नहीं है साथियों। 10वीं से लगाकर बीए बीएड एमए तक के सारे के सारे लड़के नौकरी लगेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और तो और मैं सम्माननीय मंच को भी कहना चाहता हूँ, इसकी वैकेंसी के लिए मुझे पूरे राजस्थान के इंतजार की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, पूरे राजस्थान की वैकेंसी की जरूरत इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कमिश्नर को पावर है कि उस जिले के स्थानीय बेरोजगारों की नौकरी लगाने के भी स्पेशल भर्ती निकाल सके। और आपने देखा होगा, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपने मुझे मौका दे दिया स्पेशल जिले की सभी विभागों की एक साथ बैकलॉग सीटें होगी, रिक्त सीटों की भर्ती होगी और छोटी सालरी दरियावाद पीपल खूड हरनौद के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा खींच दी जाएगी, पार का एक भी लड़का नहीं आएगा, सारे के सारे आपके बच्चे नौकरी करेंगे, मैं आपके साथ कह रहा हूं। अरे साथियों, वसुंधरा जी आए थे 2013 में, क्या कहा था? प्रतापगढ़ के बेरोजगार युवाओं को नौकरी लगाने के लिए महाराणा प्रताप बटालियन की घोषणा करूंगी। कहा था? नहीं कहा था? 4 साल हो गए महाराणा प्रताप बटालियन की घोषणा नहीं करी, फिर मैं टंकी पे चढ़ता हूँ। उसके बाद महाराणा प्रताप बटालियन की घोषणा करी, लेकिन नल्ला जी मीणा को पता पड़ गया, अगर महाराणा प्रताप बटालियन में 750 लड़के प्रतापगढ़ के पुलिस में लग गए तो ये तो पैसे वाले हो जाएंगे। जिस आदमी के जेब में पैसा आ गया उसके दिमाग में, उसके खोपड़ी में दिमाग आ जाएगा, फिर कहेगा नंदलाल जी मीणा 35 साल से राज कर रहे, गलत कर रहे हैं। उनका स्वराज जिला बहु जिला प्रमुख बन गई, उनकी पत्नी जिला प्रमुख बन गई, प्रधान बन गई, ये तो गलत हो रहा है। उनके पास दिमाग आ जाएगा, ऐसे उन्होंने ये उनकी मन की धारणा है और उनके मन में ये है कि बाहर का आएगा तो भी पैसे देगा, ट्रांसफर करा के जाएगा तो भी देगा पैसे देगा। अरे बाहर के जितने भी कर्मचारी बेचारे यहाँ 300-400 किलोमीटर दूर के यहाँ पड़े हैं, उनके 5 साल में मुझे कोई पद मिल जाता है, मैं 5 साल तक गोल्डी ओढ़ के नहीं सोऊंगा और जनता की सेवा करूंगा। एक और शपथ दीजिए, जिस प्रकार से आपकी पत्नी जिला प्रमुख थी, 5 साल में एक भी कार्यकर्ता की नहीं सुनी, आपके भारतीय जनता पार्टी के सरपंचों की भी नहीं सुनी, लेकिन हम शपथ देते हैं हमें पावर मिलने के बाद में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके काम करेंगे। ठीक बात है। इसलिए साथियों, कन्या महाविद्यालय आज तक बना नहीं, पायलट साहब ने घोषणा करी है सारे बेरोजगारों की बेरोजगारी को खत्म करूंगा, और जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होती है तब तक 3,000 तक का पत्ता दूंगा। ऐसे पायलट साहब को धन्यवाद दीजिए, उनको मुख्यमंत्री बनाइए। और आपको एक बात और कहना चाह रहा हूं, आपको ट्रांसफार्मर में कितनी दिक्कत आती है? आपका ट्रांसफार्मर चल जाता है कितने दिन में मिलता है बताओ? 30 दिन में मिलता है। और कितने पैसे लेते हैं नंदलाल जी के दलाल? 5,000-10,000 मेरे धरोड़ में 20,000 लेते हैं। 8-8 महीने से 3-3 साल से विद्युत कनेक्शन नहीं हुए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूं, डिमांड बढ़ने के बाद में अगर आपका ट्रांसफार्मर चल जाता है, सुनो, तो आपको ट्रांसफार्मर उतारने की जरूरत नहीं है, आपको 5,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आपको महीने भर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपके यहाँ मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड की जाएगी, उसमें एक एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी। आपके यहाँ पे विद्युत विभाग के कर्मचारी और ठेकेदार नया ट्रांसफार्मर और चेन कूपी लेके आएंगे और पुराना चला हुआ ट्रांसफार्मर उतारेंगे, नया ट्रांसफार्मर चला के जाएंगे। आपको मेरे देवता तुल्य पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को बिजली विभाग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों, ये मैं आप सभी के सामने कहना चाह रहा हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बात और कहना चाह रहा हूँ आप सभी को, चुनाव प्रचार करने के लिए जमीन से 3 फुट ऊपर नहीं चलना है, आपको धरती पर रहकर प्रचार करना है। आज के मैं इनसे आशा करता हूँ कि उससे खड़े उतरेंगे। रामलाल जी एक व्यक्ति जो है इनको चलाना नहीं पड़ता है, ये सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है, ये अपने आप चल जाती है। इसलिए रामलाल वो व्यक्ति जो है जो आप लोगों के साथ 37 लोगों को साथ लेके सब वर्ग को साथ लेके चलने वाला आदमी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आपको बताऊं कि आज क्या हाल है। इस प्रतापगढ़ के अंदर सड़कों का बेहाल है, बिजली आपको नहीं मिल रही है, पानी आपको नहीं मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। आपके प्रतापगढ़ के अंदर नगर पालिका में 8-10 दिन तक पानी नहीं मिलता है। भारतीय राज्य